फिर सब गाइस कैसे हमने फ्री से जो कि ओरिजिनल वीडियो देखी इंडियन थ्री फोटो का, उसके वीडियो ने बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि गाइस आज हम लोग करने वाले पूर टू रीचेस गाइस, यानी कि भाई हम लोग गरीब से बड़े लोग होने वाले हैं, वो भी इंडियन थ्री फोटो के अंडर। बट यार देखो भाई, वैसे इतने बड़े सा बंगलो है मेरे पास, बट ये बंगलो रहकर क्या करेंगे भाई, मेरे पास कोई गाड़ी वगैरह नहीं है। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि एक रीच बना जाएगा इसी के। वैसे ये भाई ये जो बंगलो है ना भाई, ये भी किसी और का है, तो भाई मैं एक खरीदने वाला हूँ। मैं तो रेंट में रहता हूँ, बट मैं एक खरीदने वाला हूँ। बट कैसे बनो, बट एक सेकेंड, ये रीति सामने इतने सारे पुलिस कर का आवाज़ क्यों हो रहे, और एक सेकेंड कोई मुझे लगता है भाई गोली चला क्या, कहाँ पर है गाइस, एक सेकेंड मुझे पता नहीं चल रहा। बट एक सेकेंड ये लोग कहाँ कहाँ जा रहे, एक सेकेंड मुझे देखना पड़ेगा भाई कहाँ गया। अरे मामले भाई, एक सेकेंड कहाँ गया भाई, पीछे क्या है क्या भाई, एक सेकेंड हो रहा गाइस, एक सेकेंड इन लोगों से पूछते भाई हुआ क्या है भाई, अरे क्या हुआ क्या बोलो, अरे भाई बताओ तो यार क्या हुआ। तो गाइस आप भी ना बहुत बड़े मुश्किल बात हो चुके हैं यार, ये लोग बोल रही कि भाई ये जो बंगला है भाई ये तुम्हारा नहीं है भाई, ये हम लोगों का हो चुके हैं अभी आज भी भाई। ये क्या होगा इसी, देखो भाई इन लोगों को ऐसे कहते हैं भाई मेरे बंगला भाई, मैं अभी गरीब हूँ तो क्या भाई ओवर बंगला है भाई, मैं चूज भी कर सकता हूँ गाइस। चलो इशू तो खत्म कर दें, वैसे मैं पहले से ही गाइस इंफिनिटी फेल लगा रखा हूँ, प्लस गाइस स्टार वगैरह को भी हटा के रखा हूँ, जिसकी वजह से गाइस ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे। बट एक सेकेंड और कोई है, बट और कोई है भाई, भाई एक सेकंड वैसे पुलिस कर को भी फोड़ देने के लिए फक ना होता है। एक सेकंड गाइस मुझे ना बहुत ही जल्दी बड़े लोग होना पड़ेगा इस, यानी कि रिच मैन बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे ही रहोगा तो भाई ये लोग ना बंगलो भाई मेरे से ले लेगा, ठीक है। बट एक सेकंड यार ये लोग कहाँ गोली कहाँ से मर रहे, अरे एक सेकंड ये तो बताओ भाई, जो भी हो यार मैं सोच रहा हूँ कि मेरा साइकिल को निकालो एंड भाई साइकिल को लेकर जाओ गाइस, ठीक है। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने बोला था कि भाई आज ना सुबह मैं तुमको एक काम दूंगा, जिसके बदले में एक भाई तुम लोग को बहुत सारे पैसे दूंगा, जिससे तुम लोग अलग अलग सुपर कार को बाय कर सको। चलो भाई मेरा साइकिल को निकलते गैरेज से, भाई तीन तीन गैरेज है बट मेरे पास सिर्फ एक ही व्हीकल्स है, वो है गाइस साइकिल। चलो लेने दे चल जाए, तो गाइस ये रहा गाइस साइकिल, भाई यही साइकिल है मेरे पास। तो भाई जल्दी ना टाइम नहीं वेस्ट करते, जल्दी जाते हैं। बट एक सेकंड भाई मुझे अच्छा कपड़ा भी नहीं है यार मेरे पास, भाई इतना गरीब हो चुका हूँ ना भाई, अगर बंगलो भाई जल्दी रीच मैन नहीं हो ना तो भाई ये लोग जहाँ भाई हम लोग का बंगलो को बेच देगी, रो भाई पुलिस करना पहले पीछे पड़ा हुआ है, ये लोग बोल रहे कि भाई बहुत जल्दी मेरी बंगलो ले लेगी हम लोग तुमसे, फिर तुम लोग तुम्हारे पास कोई पैसे वगैरह नहीं है भाई, जबरदस्ती ये लोग ले रहे हैं भाई। मुझे लगता है इस चीज़ के पीछे ना बहुत बड़े हाथ है भाई, जो मतलब ले रहे हैं बंगलो भाई, ये बहुत ही सहायता होगा मुझे लगता है, उसको तो बाद में देखोगा। मैंने मैं दोस्तों के घर जाता हूँ, बट भाई मेरे साइकिल ना पूरा खटारा हो चुके भाई, मुझे लगता है कि मेरे जो भाई मतलब पहिया है ना साइकिल के, उसके टायर में भाई पहिया नहीं है भाई, हवा नहीं है यार, हवा बनना पड़ेगा। बट अभी क्या करें यार, चलो जल्दी जाते मिशन करते हैं। वैसे गाइस जो मेरा दोस्त है ना स्टोरूम सीलर है गाइस, ये भाई स्टोरूम का मैनेजर है, आप लोगों को पता थी इंडियन थ्री वीडियो के अंदर सिर्फ एक ही शोरूम है, और जिसका नाम है गाइस हीरो खार शोरूम, जिसके अंदर आप लोगों को अलग अलग बाइक मिलते हैं। तो भाई चलो इधर दिखाई नहीं दे रहे यार, कहाँ पर है, एक सर भाई मुझे लगता है पीछे बगर पीछे होगा, मुझे लगता है चलो भाई देखते गए जो पीछे होगा गारंटी है। तो गाइस मुझे लगते है ओ ये रहा, इधर क्या कर रहे यार, इधर तो भाई गाड़ी वगैरह रखा जाते हैं यार, इससे पूछते गाइस इधर क्या कर रहा था। ओके गाइस, तो फाइनली गाइस इससे मैंने बात कर लिया है ना भाई, इन्होंने क्या बोला बताए गाइस, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास मिशन है। तो एक दिन ना भाई ये मेरा दोस्त भाई जंगल पे गया था उस भूतिया हवेली में, एंड उधर भाई उसको थोड़ा सा डर लग रहा था, तो उन्होंने भाई उसका रियर बाइक कावासाकी को रख कर आ गया, तो वो बाइक ना उधर ही खड़ा है, सिर्फ उस बाइक को मुझे लेकर आना पड़ेगा एकदम सेफ, ठीक है। और उसी के साथ गाइस वो बोला है भाई बहुत सारे डॉलर देने वाले हैं, वो भी लाखों में, ठीक है। तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा बड़े लोग हैं, तो भाई मैं ना भाई एक दिन में रिच मैन सोचता हूँ। बट गाइस जो हवेली है ना भाई, बताया जाते हैं कि भाई उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक गुंडे रहते हैं, तो भाई मुझे ना थोड़ा सा ध्यान पे जाना पड़ेगा। बट देखो भाई मेरे पास कुछ हो ना हो, बट मेरे पास गाइस बहुत सारे वेपन्स हैं, जैसे कि AK-47 स्नाइपर गाइस पिस्टल्स बैंड भी है भाई, एंड RPG भी है, बट RPG को मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो RPG में ज़्यादा जो गोली नहीं है, ठीक है। तो मैं इतिहास यूज़ करने वाला हूँ, तो चलो भाई साइकिल एक काम करते ना, इधर एक कार ही ले लेते हैं, एक से और भाई रुक क्या भाई सर ही मुझे लगता है, ठीक है चलो थोड़ा सा बात करते हैं एंड देखते हैं। ओके नेट को तो फाइनली गई सो अभी जा रहे हैं अपने घर दौड़ते दौड़ते, और मैंने उसको बोल दिया कि भाई मैं तुमको बाद में पैसे दो बच्ची भाई के लिए दे दो, और मैं एक खटरा साइकिल इधर ही रख के चले जाता हूँ यार, फ़ोन लिखेगा भाई जो भी लिखेगा, बट भाई मेरे को एक कार ही तो मिल चुके गई जिससे तो फास्ट जा पाऊँगा। चलो भाई जल्दी जंगल पे जाते हैं एंड उन लोगों से लड़ाई करते हैं, एंड मुझे तो लग रहा है ना गाइस वही गुंडे हैं गाइस जो मेरा बंगलो को लेना चाहते हैं।
तो भाई इन लोग को उड़ा दूंगा बम से आज, एंड उसके जो क्रॉस हो गया वही लेकर आ जाऊंगा। एंड भाई मेरे शोरूम दोस्त को दे दूंगा, अलंसो शोरूम का मैनेजर है दोस्त, उसको दे दूंगा। एंड भाई बहुत सारे पैसे मुझे मिलने वाले, वैसे पहले से मेरे को 25,000 रुपये दे दिए हैं उन्होंने, बट भाई मैं कोई बात नहीं गई, मैं इस गाड़ी को लेकर आ तो चुका हूँ, बट मुझे ना भाई सामने दिख रहेगा इस बिल्डिंग, तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा ध्यान पे जाना पड़ेगा। वैसे ये गाड़ी इतना खतरे की हुई यार, कितना धुआं उठ रहे यार, नहीं रुको अरे एक सेकेंड, गाड़ी चल क्यों रही ना, अभी गाड़ी चल ली अभी, ये क्या हो रही, एक सेकेंड भाई गाड़ी मेरा चल नहीं रहा, मुझे लगता है अरे यार ख़राब गाड़ी है भाई, ख़राब हो गया क्या, अरे यार नहीं भाई कंट्रोल भी, अरे कंट्रोल, अरे यार भाई पूरा ख़राब हो गया मुझे लगता है गाड़ी, वो नहीं मैं बोल गया था गाड़ी का पेट्रोल तो नहीं था, भाई ने बोला था कि भाई क्या फट पेट्रोल नहीं है, बट कोई बात नहीं गाइस, अपनी ना मुझे ध्यान से देना पड़ेगा। वैसे देखो मैं ना भाई बुलेट प्रूफ पहन का भी नहीं आया भाई, अगर वो लोग एक गोली मारेगा तो भाई मैं ख़त्म हो जाऊँगा, तो मैंने कभी दूर से देख पाओ नहीं, दूर से दिखाई नहीं दे रहे, एक अंधा हाथ में पिस्टल लेके ना एक एक पेन के पास जाते हैं एंड देखते गए सो लोग है या फिर नहीं, चलो इधर 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 जल्दी 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 जल्दी, ओके नेट से कवर में हो गाइस, पता नहीं गाइस दिखाई तो इधर इधर से। तो गाइस फाइनली मैं पास में आ चुका हूँ, और भाई मैंने जो सोचा था गाइस इन लोगों के साथ पुलिस भी मिला हुआ है, ये देखो गाइस आप लोग देख सकते हो, मैंने बोला था ना भाई बंगलों के लिए वो लोग अचानक पुलिस इतना ख़राब कैसे हो जाता है यार, पुलिस कैसे आ सकते हैं मेरे घर के अंदर, तो भाई वो ये लोग ना भाई यही था भाई, ये लोग ही मेरा बंगलों को दखल करने वाले, क्योंकि लोगों को पता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ अभी, बट भाई लोगों को पता ही नहीं कि मैं आ चुका हूँ भाई मेरे दोस्त का काउस लेने के लिए, और ये काउस अगर डिलीवरी कर दिया मेरे दोस्त के घर पास तो भाई वो बहुत सारे पैसे देगा ना, मैं रिच मैनेज होगा ना, मेरे हाथ पे सब कुछ आ जाएगा, तब दिखाऊंगा इन लोगों को, बट मैं तो अभी ख़त्म करने वाला हूँ, बट पहले देखो भाई पुलिस के हाथ में हार, भाई इधर देखो ये देखो मुझे लगती है क्योंकि अभी मीटिंग चल रही है कि किसके घर में पहले हमला करेंगे, देखो भाई सब इधर भी बॉडी गार्ड है भाई, मुझे ना सब देख के जाना पड़ेगा, और इधर देखो भाई ये लोग भाई AK-47 लेकर खड़ा हुआ है भाई, भाई सब ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाले गाइस, और इधर भी एक है गाइस, घर के अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा, मुझे नहीं लगता घर के अंदर कोई है, बट एक सीन इधर कुछ तो है, ओए भाई यही तो रहा गाइस खा हो सकी भाई, देखना ले रखना भाई, मैं देख लिया गाइस इस गैरेज के अंदर है, बट देखो भाई मेरे स्नाइपर पे सिर्फ सप्रेसर लगा हुआ है, बाद बाकी गन पे नहीं लगा गया, नहीं पिस्तौल पे भी है, तो मैं AKM यूज़ नहीं कर सकता अभी, तो इन लोगों को हेडशॉट मारते, वही बुलेट प्रूफ पहना है ये लोग, अरे कहा गया, अरे एक सेकंड मेरे पेड़ पे जा रहे बार बार, तो इन लोगों को ख़त्म करना पड़ेगा भाई, ये उधर देख रहा है अभी, ये ख़त्म हो जाए, इसको भी ख़त्म कर देते, इसको भी ख़त्म कर दे, चलो ये भी ख़त्म हो गया, मैं ऊपर वाला ख़त्म कर देती अपनी, ये ऊपर तो बॉस खड़ा हुआ है भाई, अगर उन लोगों को पता चल जाएगा तो मुश्किल मैं पड़ जाऊँगा, ये ना भाई नोबरा तरीका, ये ना नोबरा तरीका भाई, भाई एक सेकंड, अरे जल्दी रिलोड हो, उन लोगों को पता चल चुके, वही आ रहे भाई, ओके भाई सारा नहीं दिया भाई, एक सेकंड गाइस मुझे लगता नहीं, इधर भी कोई है भाई, मैं पिस्तौल लेकर, मैं सोच रहा ना कि भाई नीचे का औसत हीरो का है, ऊपर इन लोगों का मीटिंग चल रहा है, अगर इन लोगों का मेन बॉस वो मर दूंगा तो भाई इन लोगों के हाथ में पुलिस है, तो मेरे को गिरफ्तार कर सकते हैं लोग, तो मैं एक काम करता हूँ मेरे काउसर इंजेस्टर को लेकर चले जाता हूँ, क्योंकि तीन लोग को मारा है अभी, वैसे अंदर कोई है क्या भाई, देखते गए मेरे को तो लग रहा है कोई अंदर था, हाँ एकदम लो भाई ख़त्म, चलो भाई मेरे गन पे सप्रेसर लगवाया था, बट इन लोगों को अभी तक पता ही नहीं चला भाई, एक सेकेंड धीरे धीरे जाना पड़ेगा, एक सेकेंड बाइक बाय, वो भाई साहब कितना डियर बाइक है यार, कावासाकी निंजा ईश्वर, चलो मैं बूस्ट मारने वाले लोगों को पता चल चुका, मुझे लगता है नहीं ओके लेट्स गो, फाइनली मैंने कावासाकी निंजा ईश्वर को ले लिया भाई, चलो 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 लोगों को पता नहीं चला, मुझे लगता है अगर पता भी चल चुके गाइस, उन लोगों को पता नहीं कि कौन लेकर गया, क्योंकि मैं तो गरीब हूँ यार, लोगों को शक ही नहीं होगा कि मैं लेकर गया हूँ, बट चलो चलो जल्दी जाते भाई, भाई दखल में कर लिया था यार, रात में गया था भाई, वो भक्की गया भक्के आ गया डर के मारे लोगों पास है, और ये मैंने क्या कर दिया आते समय, बट कोई बात नहीं, ओह भाई रुक जाओ भाई, मैंने ऑफ रोडिंग करो बहुत ज़्यादा, बट एसन गाइस हम लोग दोस्त से मिलते नेट्स को गाइस, चलो भाई चलो जल्दी जीतते गई, इधर है ना भाई, अरे अरे यार ये खाक चला गया, मुझे लगता है भाई शोरूम के अंदर है, मैं शोरूम पर ध्यान नहीं दिया भाई, चलो देखते गई शोरूम पर होगा मुझे लगता है, चलो इधर ही खड़ा कर देते, नहीं इधर नहीं खड़ा करूँगा, चलो एक काम करते एकदम शोरूम के सामने खड़ा करूँगा। तो गाइस फाइनली दोस्त बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुके हैं, एंड उन्होंने बोला क्या पता है कि गुंडे को तो नहीं मरा ना भाई, तो मैंने बोल दिया कि नहीं मरा भाई, तो वो और भी ज़्यादा खुश हो गया, और मेरे को भाई इधर जितने सारे भी कार वगैरह है ना
सब कुछ लेने के लिए बोला है, मतलब अभी इजी इतने सारे, ये देखो भाई इतने सारे, भाई भाई ये तो बाद में लेकर जाओगे, मेरा सबसे फेवरेट है गाइस थार, तो मैं अभी जल्दी थार को परचेस करता हूँ, बाद बाकी भाई मैं बहुत ही ज़्यादा बड़े लोग हो जाऊँगा गाइस अभी क्या है, तो भाई जल्दी से मैं पहले तो भाई जाऊँगा हम लोग शॉपिंग करने के लिए थार को लेकर, एंड उसके बाद मैं थार को मॉडिफाइड कराऊँगा क्योंकि मेरे पास आ चुके बहुत सारा पैसा है, एंड उसके बाद मैं भाई घर जाकर पहले तो चेंज करूँगा, क्योंकि भाई मैं अब कब से यार ड्रेस वगैरह नहीं पहना हुआ, कितना गरीब हो चुका था, बट फाइनली गाइस मेरे लक बदल चुके हैं, एंड आज मेरा सबसे बेस्ट लक में से एक था गाइस, तो चलो गाइस जल्दी चाहते हैं। वैसे ये देखो भाई मेरा बंदा भी आ गया भाई हम लोग कावा से निंजा स्टोर लेने के लिए, जब उसे मुझे लगता है अरे ये कौन है भाई, एक ही नहीं कौन है, मुझे लगता है कि उसका डोज वगैरह होगा उसको दिखने के लिए, चलो भाई जल्दी गाइस जाते हैं। वैसे इधर जम लग चुकी भाई, इतने जम भाई देखो गाइस एक बार कितने जम लग चुके, ओ शिट मैंने ही कर दिया था, सॉरी भाई सॉरी गाइस, बट इधर इतना जम क्या है क्यों अभी भाई रास्ते में, मुझे लगता है गाइस आज ना बहुत सारे लोग निकले भाई, चारों तरफ जम लग गए, बट गाइस जल्दी जाते शॉपिंग करने के लिए, देखो शॉपिंग सामने है शॉपिंग मॉल, जल्दी जाते एंड शॉपिंग करते हैं, उसके बाद थार को भी चेंज कर लेंगे। तो फाइनली गाइस मैंने भाई शॉपिंग कर लिया एंड बहुत सारा ड्रेस वगैरह खरीदा, चलो भाई पहले घर जाते एंड चेंज करते हैं, ओके चलो कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, एंड उसके बाद थार को भी मॉडिफाइड करने के लिए ले जाएगी, लेट्स गो भाई, अब तो भाई लोग कुछ नहीं होने वाला क्योंकि ये बंगलो अब मेरा होने वाला है पूरी तरीके से, चलो भाई खुल जा सिम सिम, लेट्स गो जल्दी जाते रहे। तो गाइस मैं कैसा लग रहा हूँ गाइस आप लोग कमेंट पे बताना, फाइनली यार ये बहुत ही ज़्यादा रेडियंट ड्रेस मैंने अभी पहना हुआ है, एंड आज ना मैं बहुत ज़्यादा खुश ही हूँ भाई, मतलब मैं खुश हूँ, तो भाई चलो गैरेज पे जाकर ना मैं गाड़ी को भी चेंज कर लूँगा भाई, अभी तो मेरे पास अनलिमिटेड कार है क्योंकि मेरा दोस्त इतना खुश है कि भाई जितने सारे भी गाड़ी आएगा सबसे पहले मुझे देगा फ्री में, तो मैं बहुत ही ज़्यादा बड़े लोग हो चुका हूँ, और मेरा जो ये है ना किट्टू है ना भाई इसको भी खिलाऊगा दिलाऊगा, ठीक है ये देखो भाई कब से नहीं खाया है, ये देखो ये हड्डी पर है बेचारा, चलो इसके लिए भी खाना लेकर आएगा। तो गाइस आई होप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चलो सब्सक्राइब कर देना, और अगर इसे पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में बताना, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।